नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर लगी मुहर। बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। बिहार में बेहतर रही गन्ना पिराई, बढ़ेगी चीनी उत्पादन। प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से जुड़े 6 पूर्व आईएएस। कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई तीखी नोकझोंक। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर लगी मुहर। आज यानी कि मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि आज हुए इस कैबिनेट बैठक में सबसे मुख्य प्रस्ताव शिक्षकों की बहाली से जुड़ा है। मालूम हो कि सरकार के द्वारा शिक्षक बहाली के 1,78,026 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन, पंचायती राज, नगर विकास एवं आवास, परिवहन, वित्त, समाज कल्याण, सहकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, गृह और परिवहन विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दे दी है। बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में वे अभ्यर्थी जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं और मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, वह आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे बीते 27 मार्च को जारी कर दिए गए थे, जिसमें कुल 3,590 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बिहार में बेहतर रही गन्ना पिराई, बढ़ेगी चीनी उत्पादन। बिहार में मौसमी आपदा के बाद भी वर्ष 2022-23 सत्र में पिछले सत्र की तुलना में करीब 30% तक से अधिक पिराई हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2022-23 के सत्र में 6.63 करोड़ क्विंटल गन्ने की पिराई हुई है, जबकि इससे पहले के सत्र में गन्ने की पिराई का यह आंकड़ा 4.73 करोड़ क्विंटल था। मालूम हो कि इसी वजह से इस बार गन्ना मिल प्रबंधन के द्वारा अब तक करीब 94% से अधिक का भुगतान हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश के गन्ना किसानों को 2,169 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है और अब तक 2,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। बता दें कि इस बार चीनी मिल प्रबंधनों का राज्य सरकार पर गन्ने को दाम बढ़ाने को लेकर दबाव भी बना हुआ है, हालांकि अब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पटना मेट्रो के काम में आई तेजी। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 1 के निर्माण में मलाही पखड़ी पर अतिक्रमण होने की वजह से निर्माण कार्य में परेशानी आ रही थी, जिसके दूर होते ही अब पटना मेट्रो के कार्य में बहुत तेजी आ गई है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार मलाही पखड़ी पर लगभग 90 फीट सड़क तक अतिक्रमण था, लेकिन अतिक्रमण हटाए जाने के बाद अब उस सड़क पर बैरिकॉडिंग के एरिया को भी बढ़ाया जा रहा है और साथ ही निर्माण कार्य में भी तेजी आ गई है। मालूम हो कि अभी मलाही पखड़ी स्ट्रेच में 11 पिलर का निर्माण बचा हुआ है, वहीं कई पिलर के पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है। जन वितरण प्रणाली में 409 पदों पर होगी बंपर बहाली। बीते दिन सोमवार को भागलपुर और बांका के जन वितरण प्रणाली की दुकानों से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। बता दें कि यह समीक्षा भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त दया निधान पांडे के द्वारा की गई है। वहीं इस बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि दोनों जिले में हर हाल में 2 महीने के अंदर डीलर के रिक्त 409 पदों पर बहाली की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांका अनुमंडल में 54, सदर अनुमंडल में 255, कहलगांव में 50 और नवगछिया में 50 डीलर के पद खाली हैं, जिस पर 2 महीने के अंदर नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इस बैठक में आयुक्त के द्वारा सभी एसडीओ को यह भी निर्देश दिया गया है कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए अपने अपने कोर्ट में तय तिथि में हर हाल में मौजूद रहें और मामले की सुनवाई करें। जहरीली शराब से 44 लोगों की जान लेने वाला धंधेबाज गिरफ्तार। बीते कुछ दिनों पहले बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब के सेवन करने से कुल 44 लोगों की जान चली गई थी, तो वहीं एक दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। बता दें कि अब इस मामले से जुड़े एक नई खबर सामने आई है। दरअसल बीते दिन सोमवार को मोतिहारी SP कांतेश कुमार मिश्र के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर दिए गए निर्देश के अनुसार तुरकौलिया कोटवा सहित थाना पुलिस के द्वारा छापेमारी कर जहरीली शराब सप्लायर के 2 लाइनर को अपनी गिरफ्त में गया है। गिरफ्तार किए गए लाइनरों के द्वारा यह खुलासा किया गया है कि जहरीली शराब की खेप ट्रांसपोर्ट से मंगवाई गई थी, जिसके बाद फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 93 नए मरीज।
प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। बता दें कि बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के कुल 93 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 812 पर पहुंच गई है। वहीं राज्य में मिले इन 93 नए मरीजों में से अकेले बिहार की राजधानी पटना से कई मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब राजधानी में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 386 पर पहुंच गई है। वहीं पटना के अलावा भागलपुर में 52, पूर्णिया में 48 और खगड़िया में 54 एक्टिव केस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में बीते दिन कुल 20,000 से 25,000 सैंपलों की जांच की गई थी। वहीं अगर हम देश में कोरोना मरीजों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कुल 4,282 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 47,246 हो गई है। लुधियाना गैस लीक में बिहार के एक ही परिवार के 5 लोगों की उठी अर्थी। 30 अप्रैल को पंजाब के लुधियाना में गैस लीक होने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से कुछ लोग बिहार के भी शामिल थे। बता दें कि गैस लीक में मरने वाले लोगों में 5 व्यक्ति बिहार के गया के धनु बेघा गांव में एक ही परिवार के रहने वाले थे। वहीं जब बीती देर रात सभी शवों को लुधियाना प्रशासन के द्वारा गया लाया गया और जिला प्रशासन की देखरेख में एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया, तो इस गमगीन माहौल को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। बता दें कि मरने वाले लोगों में 40 वर्षीय कविलाश यादव के साथ उनकी पत्नी वर्षा, 16 साल की बेटी कल्पना, 13 साल का बेटा अभय नारायण और 10 साल का बेटा आर्यन शामिल है। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा मृतकों के परिजनों को अनुदान के रूप में 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं गया जिला प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का चेक दिया गया है। प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से जुड़े 6 पूर्व IAS। बीते साल प्रशांत किशोर के द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर को बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से अपने जनसुराज अभियान यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसमें प्रशांत किशोर राज्य के कई जिलों में घूम घूम कर दौरा कर रहे हैं। वहीं अब उनके इस अभियान यात्रा को बिहार के नौकर शाहों का भी साथ मिल गया है। दरअसल 6 पूर्व IAS अफसर भी अब प्रशांत किशोर के इस अभियान में शामिल हो गए हैं। बता दें कि जिन 6 पूर्व IAS के द्वारा प्रशांत किशोर को समर्थन मिला है, उनमें अजय कुमार द्विवेदी, पश्चिमी चंपारण सेवानिवृत्त विशेष सचिव बिहार सरकार, अजय कुमार सिंह, भोजपुर सेवानिवृत्त सचिव, पूर्व DM कैमूर पूर्णिया ललन यादव, मुंगेर सेवानिवृत्त आयुक्त पूर्णिया, DM नवादा कटिहार तुलसी हजार, पूर्व चंपारण सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार सुरेश शर्मा, गोपालगंज सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार और गोपाल नारायण सिंह, औरंगाबाद सेवानिवृत्त IAS के नाम शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस यात्रा के तहत प्रशांत किशोर 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उत्तरा हिंदू महासभा। जब से यह खबर सामने आई है कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने कार्यक्रम को लेकर बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं, तब से बिहार के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरफ जहां बिहार सरकार के कुछ मंत्रियों के द्वारा उनके आगमन को लेकर विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अखिल भारत हिंदू महासभा का समर्थन मिल गया है। बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी के द्वारा बिहार के पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि तेज प्रताप यादव के द्वारा इस तरह का बयान सत्ता के नशे में दिया गया है। अगर उन्हें रोकना ही है तो वैसी जैसे लोगों को रोके जो हिंदू धर्म को लेकर जहर उगलने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तेज प्रताप यादव को सत्ता नहीं मिल रही थी तो मंदिर मंदिर घूम रहे थे, और अभी सत्ता की मलाई खाने के बाद ऐसा नशा चढ़ा है कि वे भगवान की कथा कहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बिहार आने से रोक रहे हैं। आधी रात को तेज बारिश में बाहर निकलकर तेजस्वी यादव ने किया ये काम। बीती रात तेज बारिश के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के नगर निगम अंतर्गत जल जमाव एवं अन्य क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया गया। बता दें कि इस दौरान खुद तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी चलाकर मरीन ड्राइव पहुंचे, जहां उन्होंने वहां पर लगाए गए दुकान वालों से बातचीत की और पूछा कि दिन भर का इकट्ठा किया गया कचरा शाम में कैसे साफ होता है। वहीं इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी खिंचाने की भी बातें कही, जिस पर उन्होंने सभी के साथ सेल्फी भी ली। बता दें कि इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ नगर विकास और आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव भी साथ मौजूद रहे। बिहार के लोगों पर गोवा के मुख्यमंत्री की विवादित टिप्पणी। अपराधी घटनाओं को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा बिहार के लोगों पर हमला बोला गया है। बता दें कि बीते दिन उनके द्वारा मजदूर दिवस के अवसर पर पणजी में समारोह के दौरान बिहार पर टिप्पणी करते हुए दावा किया गया है कि गोवा में जितनी भी अपराधी घटनाएं घटित होती हैं उनमें 90% घटनाओं के पीछे बिहार और प्रवासी मूल के लोग जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों का विवरण ट्रैक करना आवश्यक है, क्योंकि कई बार प्रवासी मजदूर गोवा में अपराधी घटना को अंजाम देकर
अपने राज्य वापस लौट जाते हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ 90% अपराध बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों के द्वारा किया जाता है। हालांकि अब उनके इस कथित दावे पर सोशल मीडिया पर जमकर उनका विरोध किया जा रहा है और कई यूजर के द्वारा उनके खिलाफ आपत्ति जताई गई है। देहरादून की जगह यहाँ फेरे लेंगे आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद। कल यानी कि 3 मई को बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी है। बता दें कि पहले उनकी शादी देहरादून में होने वाली थी, लेकिन अब उनकी शादी के वेन्यू को बदलकर राजस्थान के जयपुर के आसपास कर दिया गया है। हालांकि शादी के कार्ड में वेन्यू देहरादून ही है। हालांकि शादी के कार्ड में वेन्यू देहरादून ही दिया गया है, लेकिन लोकेशन को बदल दिया गया है। मालूम हो कि शादी में कुछ करीबी लोग ही शामिल होने वाले हैं और साथ ही मीडिया को भी इस शादी से दूर रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आनंद मोहन के शादी की कार्यक्रम की शुरुआत 24 अप्रैल से हो चुकी है। वहीं रविवार को चेतन आनंद का तिलक समारोह था, जिसकी एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी, जिसमें चेतन आनंद को आनंद मोहन टीका लगाते नजर आ रहे थे। कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई तीखी नोकझोंक। बीते दिन आईपीएल के 16वें सीजन के 43वें मैच में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें लखनऊ की टीम को बैंगलोर से 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस मैच के खत्म होने के बाद आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मैच जीतने के बाद जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, इस दौरान विराट कोहली जैसे ही लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी काइल मेयर से हाथ मिलाया और उनसे बात की, तो लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर मेयर्स को पीछे खींचते हुए नजर आए। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि गौतम गंभीर के इस व्यवहार पर विराट कोहली काफी भड़क गए और कप्तान फाफ डुप्लेसी से कुछ कहने लगे, जिसके बाद इन दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। ऐसे में केएल राहुल, फाफ डुप्लेसी और अमित मिश्रा ने बीच में आकर मामले को शांत कराया। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, जूही कुमारी, योगेंद्र रजक, रंजीत पासवान, भान प्रकाश मौर्य, सदुल्लाह पलवी, सुशील कुमार, शंकर मुखिया, मुटू रंगीला, नुनू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, अर्जुन राम, उत्तम कुमार मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने क्षेत्र के साफ सफाई में अपना योगदान किस प्रकार देते हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।